हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एजुकेशन। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सेकेंड मेथड ऑफ जनरेटिंग एएम सिग्नल, दैट इज स्विचिंग मॉड्यूलेटर। अब देखो, स्विचिंग मॉड्यूलेटर में हमको क्या करना होता है, डायोड का यूज यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, डायोड आपका कौन से रीजन में बैक करें, लीनियर रीजन में बैक करें, या बोले हम कि डायोड आपका लीनियर, एग्जूम कर लो यहाँ पे क्या होगा, डायोड बर्क्स एज ए लीनियर डिवाइस। तो लीनियर डिवाइस आपका कहाँ बैक करता है, लीनियर रीजन में बैक करता है, और या फिर आपका आइडियल डायोड हो। आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, अपनी स्टेप से होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, लीनियर रीजन में बैक कर रहा है, तो यानी कि डायोड कैसा होगा, बर्क्स एज ए स्विच। लीनियर रीजन में डायोड कैसे बैक करेगा, बर्क्स एज ए स्विच। स्विच का मतलब इस रीजन में है तो वोल्टेज डायोड पर पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हो तो डायोड ऑन होगा, ऑन का मतलब शॉर्ट सर्किट। अगर वोल्टेज नेगेटिव अप्लाई कर रहे हो डायोड पे पी साइड, तो डायोड होगा रिवर्स बायस, तो कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो एज ए स्विच, स्विच का मतलब क्या है, जैसे ये डायोड था, लीनियर रीजन बोल दो या आइडियल रीजन बोल दो, तो आइडियल में ऐसे बैक करेगा, पूरा ही लीनियर होता है। जब इनपुट वोल्टेज आपका ग्रेटर देन जीरो है तो आउटपुट, तो डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। डायोड किससे रिप्लेस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से। जब इनपुट वोल्टेज आपका लेस देन जीरो है तो डायोड कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में डायोड कैसे बैक करेगा, ओपन सर्किट। तो ये बस, तो क्या कर रहा है, या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। ऑन होगा तो जो इनपुट पर दिया है वही आउटपुट मिलेगा, ऑफ होगा तो ऑफ है, तो कुछ भी इनपुट पर दो आउटपुट पर तो जीरो ही मिलना है। तो डायोड कैसे बैक कर रहा है, स्विच की तरह बैक कर रहा है, इनपुट दिया तो मिल रहा है, रिवर्स बायस है ऑफ हो गया है, तो आउटपुट पर कुछ नहीं मिल रहा है। जैसा फिगर था वैसे ही बना लो, CT MT समीशन दोनों ऐड होके जा रहे हैं। क्या चाहिए था आपको यहाँ पे, एक नॉन लीनियर डिवाइस। बस अब यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर ला डिवाइस नहीं है। अब डायोड कैसे वर्क कर रहा है, आपका स्विचिंग डिवाइस की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्विचिंग डिवाइस है डायोड ही, बस डायोड यहाँ पे वर्क कर रहा है एज ए स्विचिंग डिवाइस। इसके बाद अपना सेम बैंड पास फिल्टर, यहाँ पे जो हमको मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, SAMT मिल जाएगा, ठीक। बैंड पास फिल्टर भी आपका क्या रहेगा, सेम टाइप का रहेगा। किस टाइप से, वही ट्यून्ड टू पॉजिटिव साइड का सिर्फ बना दे रहा हूँ मैं, ट्यून्ड टू FC, और बैंडविड्थ कितनी हो, 2 FM, FC+FM और FC-FM से लिखते हैं, 2 FM, ये हो गया अपना बैंड पास फिल्टर। बना लो ये इनपुट पे वोल्टेज VNT है, आउटपुट पे वोल्टेज V0T है, कैरियर सिग्नल AC cos 2πfct ले लेते हैं। तो करियर सिग्नल हो गया है AC cos 2πfct। स्विचिंग डिवाइस है अपना कौन, डायोड ही है। अब देखो यहाँ पे जो डायोड है कौन से रीजन में बैक कर रहा है, लीनियर रीजन में बैक कर रहा है। तो लीनियर रीजन के लिए जो कट इन वोल्टेज से ज्यादा ही वोल्टेज होना चाहिए, जो करेक्टरिस्टिक हमने बनाई थी आपकी इस टाइप से बनाई थी, आइडियल केस ना, जनरल केस ना, या तो आइडियल केस लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जनरल केस ले रहे हो तो कट इन वोल्टेज के बाद ही लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होती है।
तो इसलिए जो यहाँ पे आपका इनपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, कट इन वोल्टेज से ज्यादा रहना चाहिए। तो इसके लिए हम एसवाई करने के लिए क्या लेते हैं, करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो रखते हैं वो ऐसा रखते हैं जिससे इसकी वैल्यू इससे हाई रहे काफी, इससे वी गामा कट इन वोल्टेज से काफी हाई रहे। लिखो इसमें, इन दिस मेथड द कैरियर सिग्नल जनरेटेड, द कैरियर सिग्नल इन दिस मेथड द कैरियर सिग्नल इज जनरेटेड विद लार्ज एम्पलीट्यूड, जनरेटेड विद लार्ज एम्पलीट्यूड। और स्क्वायला मॉड्यूलेटर में क्या था, एम्पलीट्यूड स्मॉल होना चाहिए था क्योंकि वहां पे नॉन लीनियर रीजन बैक कराता था। स्विचिंग मॉड्यूलेटर में लीनियर रीजन बैक कराना है तो करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा होना चाहिए था, यानी कि क्या हो जाए, एसी मच ग्रेटर देन हो जाए कट इन वोल्टेज से। ठीक है, देयरफोर डायोड विल ऑपरेट, देयरफोर डायोड विल ऑपरेट इन द लीनियर रीजन, देयरफोर डायोड विल ऑपरेट इन द लीनियर रीजन। सर्किट सर्किट तो बनाई लोगे, कुछ भी नहीं है, सेमी सर्किट है जो पीछे था। इनपुट पे क्या चाहिए था आपको, एम टी प्लस सी टी, तो एम टी प्लस सी टी कर दिया। सीटा का एम्पलीट्यूड क्या है, हाई है। स्विचिंग डिवाइस डायोड ही यूज कर रहे हैं हम स्विचिंग डिवाइस के लिए। क्या चाहिए आउटपुट पे, बैंड पास फिल्टर लगी, बैंड पास फिल्टर लगा दिया हमने और आउटपुट पे अपना वोल्टेज ले लिया है। कौन सा सिग्नल मिलेगा हमको, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। डायोड हमने कौन सी जगह पे करा रहे हैं, लीनियर रीजन में, स्विचिंग डिवाइस डायोड बैक कर रहा है जो स्विचिंग डिवाइस। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे बताओ अगर इफ जो कैरियर सिग्नल सी टी ग्रेटर देन 0 है तो डायोड किस रीजन में बैक करेगा आपका, पॉजिटिव है सी टी तो डायोड किस रीजन में बैक करेगा आपका, डायोड आपका फॉरवर्ड बायज होगा, डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड बायज होगा, फॉरवर्ड बायज का मतलब शॉर्ट सर्किट, फॉरवर्ड बायज शॉर्ट सर्किट, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होगा तो डायोड का आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, जो आपने इनपुट पे अप्लाई कर रहे होगे। ठीक, इफ सी टी लेस देन 0 हो जाता है तो क्या होगा, सी टी का ही एम्पलीट्यूड लार्ज था, लेस देन 0 है तो नेगेटिव साइड वाला है तो यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो डायोड किस रीजन में बैक करेगा आपका, रिवर्स बायस में, तो डायोड कैसा होगा आपका, रिवर्स बायस रीजन में बैक करेगा। रिवर्स बायस का मतलब ओपन सर्किट, और जब ओपन सर्किट हो गया है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा आपका, 0 मिलेगा। अब हमने आपका एक करियर सिग्नल ले लिया है, कौन सा, एसी कॉस 2π fct।
ये आपका करियर सिग्नल हमने बना दिया है। क्या था? ए सी कॉस 2π fct। फ्रिक्वेंसी आपकी लार्ज ही है तो ये वेव बहुत पास पास हैं, बस समझने के लिए थोड़ा मैं दूर दूर बना दिया है। क्या हो गया है? सी टी इक्वल्स टू ए सी कॉस 2π fct। ठीक, अब देखो क्या मिलेगा हमको। डायोड कैसे बैक कर रहा है? स्विच की तरह कब बैक कर रहा है? अगर सी टी आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो जहां जहां पॉजिटिव होगा जो इनपुट पर दोगे वही आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वैसे अपना ये डायोड था, इनपुट वोल्टेज भी इन टी दे रहे हैं। ठीक, तो क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, जब सी टी आप इस रीजन में हो, किस रीजन में हो? इस रीजन में हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो सी टी कैसा है आपका? पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए डायोड आपका शॉर्ट सर्किट की तरह कर रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या लिखा था अभी मैंने? वी नॉट टी इक्वल्स टू वी इन टी, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? वी इन टी ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो भी इनपुट यहाँ पे था उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं? वन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। किस रीजन के लिए? इस रीजन के लिए। ठीक, तुमको क्या मिल रहा है? वी इन टी ही मिल रहा है। सेकेंड, जब निगेटिव वाले रीजन में आ रहे हो आप, इस वाले रीजन में, तो सी टी कैसा है? निगेटिव है। डायोड कैसा होगा? रिवर्स बायस होगा। कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। जीरो कब मिलेगा? जब इसमें जीरो से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, जो भी इनपुट वोल्टेज है उसमें या तो वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वन से कब मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जब सी टी ग्रेटर देन जीरो है। जीरो से कब मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जब सी टी निगेटिव है। यानी कि अगर हमको आउटपुट वोल्टेज चाहिए यहाँ पे, अगर डायोड के आउटपुट पे आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो क्या होगा? वी इन टी होगा इंटू एक ऐसा सिग्नल जो इस रीजन में क्या हो? वन हो, और निगेटिव वाले रीजन में क्या हो? जीरो हो। तो हम एक ऐसा सिग्नल अभी ड्रॉ कर रहे हैं, उसको मैं लिख दे रहा हूँ कुछ जीपीटी है। क्या होगा जीपीटी? देखो जीपीटी क्या होगा? जीपीटी की वैल्यू इस रीजन में क्या होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक वन होगी, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? जीरो होगी। तो क्या बन जाएगा? एक आपका स्क्वायर वेव बनेगा। कैसे बनेगा? देखो फिगर इस टाइप से बनाना है कि सिमिट्री दिखे, क्योंकि ये वाली वेद आपकी सेम है, ये वाली वेद सेम है, जितना पॉजिटिव वाला रीजन है उतनी निगेटिव वाला रीजन है। ऐसे ही आगे जाता रहेगा। तो ये देखो कि क्या बन गई, एक स्क्वायर वेव बन रही है कि नहीं है? क्या है? सिमिट्रिकल स्क्वायर वेव है। क्या है? सिमिट्रिकल स्क्वायर वेव। ठीक, तो देखो क्या किया मैंने, वही करना था। जीपीटी जब सी टी ग्रेटर देन जीरो है तो वन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जब सी टी लेस देन जीरो है तो किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं? जीरो से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सही है, तो क्या हो जाएगा? हमको बी नॉट टी मिल जाएगा। तुमको क्या करना है? जो भी डायोड पे इनपुट है उसको जीपीटी से मल्टीप्लाई कर दो। जीपीटी हमने बनाया किसके है? अकॉर्डिंग है, करियर सिग्नल के अकॉर्डिंग ही बनाया है ये। ठीक है, तुमने करियर सिग्नल के ऑपरेशन को जीपीटी के थ्रू यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब ये सिग्नल देखो आपका कैसा सिग्नल है? पीरियोडिक सिग्नल है। एक क्या है? पीरियोडिक सिग्नल है, तो इसको हम फोरियर सीरीज से लिखेंगे। ये क्या था अपना करियर सिग्नल? इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी? एफ सी। तो ये वाला टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड 1/fc हो जाएगा। तो पता ही है टी इक्वल्स टू क्या होता है? 1/f। तो वहां से लिया इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी? एफ सी थी। तो यहाँ से यहाँ तक 1 पीरियड का ड्यूरेशन कितना हो गया? 1/fc। आधा पीरियड कितना हो जाएगा? ये 1/2fc। पीरियड के आधे पॉइंट पे हैं, ये उससे भी आधे पॉइंट पे हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1/4fc। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1/4fc।
कोसाइन वेव फॉर्म है, तो हम जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी डिस्टेंस ये होती है, उतनी डिस्टेंस ये होती है उतनी डिस्टेंस ये होती है, तो यानी कि ये विड्थ कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, चलो तो ये वाला पॉइंट कितना होगा आपका माइनस के वन बाई फोर एफ सी, माइनस के वन बाई टू एफ सी से लेके प्लस के वन बाई टू एफ सी तक कितने हो गया, ये भी वन बाई एफ सी रहेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो वन बाई टू एफ सी प्लस वन बाई टू एफ सी, तो क्या बचा वन बाई एफ सी बचा, तो ये क्या हो गया एक तरह से पीरियड हो गया इतना, तो यहाँ पे कितना लिख दें हम वन बाई फोर टू एफ सी माइनस के वन बाई टू एफ सी, ये वाला पॉइंट कौन सा है पॉजिटिव इस कट पे था, ये है वन माइनस के वन अपॉन फोर एफ सी, ये वाला पॉइंट कितना होगा वन अपॉन फोर एफ सी, ये क्या होगा जीरो, ऐसे ही आगे भी पूरा बढ़ता जा रहा है, ये पीरियोडिकली एक्सटेंड हो रहा है, ये सिग्नल आपका एक स्क्वायर वेव है और सिग्नल आपका कैसा है इवन है, जब इवन है तो इवन के लिए देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फूरियर सीरीज होती है उसमें जो वी एन एक कोफिशिएंट होता है वो होता है जीरो, ठीक है वी एन होता है जीरो, आपको दो कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, एक ए नॉट फाइंड करना है एक ए एन फाइंड करना है, ए नॉट हम फाइंड करते हैं वन अपॉन टी इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू से लेके टी बाई टू एफ टी डी टी, जो भी सिग्नल है अब यहाँ पे सिग्नल हमारा कौन सा है एक बार लिख दे रहा हूँ मैं एफ टी डी टी, अब यहाँ पे जो सिग्नल है ये जनरल फार्मूला है ए नॉट निकालने का, ठीक तो कितना हो जाएगा ये वन अपॉन टी अपनी वेव के अकॉर्डिंग, अपनी वेव कौन सी है अपनी वेव है ये वाली देखो, अब देखो सिग्नल क्या है जी पी टी है, पीरियड कितना है इसका टोटल पीरियड कितना है वन बाई एफ सी, तो वन बाई एफ सी को मैं कौन सी रीजन में ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक माइनस के वन बाई टू एफ सी से प्लस के वन बाई टू एफ सी, तो ये वाला रीजन कितना हो गया है वन बाई एफ सी ही हो गया है, तो टोटल हमने एक पीरियड लेना है, तो कहाँ से कहाँ ले रहा हूँ पीरियड में माइनस के वन बाई टू एफ सी से प्लस के वन बाई टू एफ सी तक, ठीक है और टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे टी इक्वल्स टू वन बाई एफ सी पीरियड बताइए, ये लिखा है मैंने टी इक्वल्स टू वन बाई एफ सी, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे टी इक्वल्स टू वन बाई एफ सी इंटीग्रेशन पीरियड से आधे तक जाना है, ठीक है ना पीरियड का हाफ, तो क्या हो गया ये माइनस के वन बाई टू एफ सी, ठीक है टी की वैल्यू कितनी थी वन बाई एफ सी, तो क्या हो जाएगा वन बाई एफ सी और टू पहले से मल्टीप्लाई था, तो माइनस के वन बाई टू एफ सी से प्लस के वन बाई टू एफ सी टी और जी पी टी डी टी इतना हो जाएगा, ठीक है बस फार्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ मैं, कर लो जरा इसको सॉल्व, अब एफ सी ऊपर पहुंच जाएगा, अब देखो माइनस वन बाई टू एफ सी से लेके वन बाई टू एफ सी में क्या है देखो प्लॉट में माइनस वन बाई टू एफ सी से वन बाई माइनस के वन बाई फोर एफ सी तक वैल्यू जीरो है, इधर भी वन बाई फोर एफ सी से वन बाई टू एफ सी तक जीरो है, यहाँ क्या है माइनस के वन बाई फोर एफ सी से प्लस के वन बाई फोर एफ सी तक वैल्यू कितनी है वन है, तो क्या हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में लिमिट कहाँ से कहाँ लगा दो, अब माइनस के वन बाई फोर एफ सी से लेके वन बाई फोर एफ सी तक इसी रीजन में जी पी टी कितना है वन है, इसको सॉल्व करो देखो सॉल्व करके ये वैल्यू आपकी आ जाएगी वन बाई टू, दूसरा हमको कौन सा कोएफिशिएंट निकालना है ए एन निकालना है, ठीक अब देखो ए एन का फार्मूला क्या होता है ए एन होता है आपका टू अपॉन पीरियड माइनस टी बाई टू से लेके टी बाई टू सिग्नल जो भी सिग्नल हो आपका एफ टी इंटू कॉस ऑफ एन टू पाई एफ सी टी, एफ सी क्या है जो पीरियड वाली फ्रिक्वेंसी रहती है एफ सी टी डी टी, बस यहाँ पे सिग्नल कौन सा अपना जी पी टी है, तो क्या हो जाएगा ये टू अपॉन टी कितना था देखो बन टोटल पीरियड था वन बाई एफ सी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक वन अपॉन टी बाई टू है, तो माइनस के वन बाई टू एफ सी प्लस के वन बाई टू एफ सी जी पी टी, जी पी टी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे cos of n 2 pi fct dt, अब इसको भी सॉल्व कर लो, बस क्या है देखो भाई जी पी टी किस रीजन में बने माइनस वन बाई फोर एफ सी से लेके फोर एफ सी उसी रीजन में बने, उसके अलावा तो जीरो है, तो यही चीज क्या हो जाएगी देखो एफ सी ऊपर पहुंच जाएगा टू एफ सी माइनस के वन बाई फोर एफ सी
से लेके 1/4 FC। GPT कितना हो गया यहाँ पे? 1 हो गया है इस रीजन में, इसके अलावा तो 0 है, तो 0 वाला लिखने की जरूरत नहीं है हमको। cos n 2π fct dt। अब इसको सॉल्व कर लो, cos का इंटीग्रेशन ले लो, लिमिट लगाओ, सॉल्व कर दो। कितना हो जाएगा देखो, यहाँ से an 2 fc, इंटीग्रेट करोगे कॉस को, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है, साइन n 2π fct, टी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, n 2π fc, लिमिट जो थी लिमिट लगा दो, कहाँ से कहाँ लिमिट थी? माइनस के 1/4 fc से प्लस के 1/4 fc। कितना हो जाएगा ये? 2 fc, रख दो लिमिट की वैल्यू, ये मैं आगे लिख देता हूँ, n 2π fc, fc से fc कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे अंदर लिमिट लगाओ, साइन ऑफ n 2π fc 1/4 fc, माइनस के साइन ऑफ n 2π fc, और यहाँ पे क्या रखोगे? माइनस के 1/4 fc। अपर लिमिट लगाई, लोअर लिमिट लगाई, माइनस के 1/4 fc, माइनस माइनस करके प्लस हो गया यहाँ पे, तो ये इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना बचेगा यहाँ पे? 1/n π fc से fc कैंसिल होगा, यहाँ से 2 बचेगा, ये ऐसे यहाँ पे fc से fc कैंसिल किया, 2 आ गया यहाँ पे, क्या बचा अंदर देखो, साइन n π/2 प्लस के साइन n π/2, ये क्या हो जाएगा? 2 साइन ऑफ n π/2, तो आंसर आ गया यहाँ से 2/n π साइन ऑफ n π/2, सही है, ये आपका आ गया है an। अब यहाँ पे देखो an आपका 0 कब हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू इवन रख दूँ, n क्या रख दूँ? इवन रख दूँ, तो क्या आएगा? n की वैल्यू 2 रखो तो 2 कैंसिल, sin π कितना होता है? 0 होता है। n की वैल्यू 4 रखो तो sin 2π भी 0 होता है, तो यहाँ से n की वैल्यू इवन रखोगे तो ये आंसर हमेशा 0 आएगा an। अब अगर n ऑड है तो इसका आंसर कितना रहेगा? n ऑड है, इसके अकॉर्डिंग आएगा, ओके, साइन n की, जैसे n की वैल्यू 1 रखें, sin π/2 कितना होता है? 1 होता है। n की वैल्यू 3 रखें, sin 3π/2, तो ये कितना होता है? sin 3π/2, माइनस के 1 होता है, तो उसको जो भी वैल्यू होगी n की रखोगे, लेकिन सिर्फ ऑड के लिए ही यहाँ से आंसर मिलेगा, इवन के लिए तो 0 हो जाना है। अब देखो क्या हो जाएगा, आपने कोफिशिएंट निकाल लिए, फूरियर कोफिशिएंट। अब इससे हम GPT कैसे लिखते हैं? GPT रिटेन एज इन फूरियर सीरीज फॉर्म, ए नॉट प्लस के समेसन ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेके इनफाइनाइट an कॉस ऑफ 2π n fct, ठीक है, जो n आगे लगा होता है वो फ्रिक्वेंसी के साथ लिख दिया है, ये जनरल फार्मूला होता है, bn 0 था, आगे bn भी होता है तो bn नहीं लिख रहे क्योंकि bn वाला पार्ट 0 हो गया है, तो इतना बचेगा GPT। अब आपको an की वैल्यू भी पता है, a नॉट की वैल्यू भी पता है, दोनों वैल्यू पुट कर दो, a नॉट हमने कितना निकाला है? 1/2 प्लस के समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेके इनफाइनाइट, an की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने? 2/n π साइन ऑफ n π/2 कॉस ऑफ 2π n fct। fc क्या थी आपकी? जो GPT सिग्नल था उसके पीरियड के रिस्पेक्ट में जो फ्रिक्वेंसी थी। अब देखो यहाँ पे n की कौन सी वैल्यू हम रखें? n की इवन के लिए तो पता ही है आपका, ये बात 0 मानना है, तो यहाँ पे
क्या रखोगे एन इक्वल्स टू ऑड ही खाली रखोगे, क्या जरूरत है इवन रखने की, आप पीछे देख ही चुके हैं इवन के लिए तो जीरो ही जाना है, तो एन इक्वल्स टू यहाँ पे सिर्फ ऑड वैल्यू रखते जाओ। तो देखो ऑड वैल्यू रखते जाओगे तो कौन कौन से टाइम मिलेंगे यहाँ से, वन बाई टू प्लस के ऑड एन इक्वल्स टू वन रखो सबसे पहले, एन इक्वल्स टू वन रखोगे तो देखो क्या आएगा, टू अपॉन पाई एन इक्वल्स टू वन रखा, साइन एन इक्वल्स टू वन रखा, साइन पाई बाई टू वन होता है, एन इक्वल्स टू वन रखा तो टू पाई एफ सी हो जाएगा यहाँ पे, तो ये टाइम क्या आएगा कॉस टू पाई एफ सी टी। फिर एन इक्वल्स टू थ्री रखो, थ्री रखोगे तो क्या आएगा देखो, टू अपॉन थ्री पाई आएगा, टू अपॉन थ्री पाई आएगा, साइन थ्री पाई बाई टू, साइन थ्री पाई बाई टू कितना हो जाएगा, साइन पाई प्लस पाई बाई टू, और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस के होता है, माइनस के साइन थीटा, तो माइनस के साइन पाई बाई टू, तो माइनस के साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के वन इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, अब ये एन कितना रखा है थ्री रखा है, तो टू पाई थ्री एफ सी टी, ऐसे ही एन इक्वल्स टू अगला वैल्यू फाइव रखो, फाइव रखोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा कॉस साइन फाइव पाई बाई टू, यानी कि साइन टू पाई प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, साइन टू पाई प्लस थीटा पॉजिटिव में ही आता है, तो ये हो जाएगा टू अपॉन फाइव पाई, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है खुद से समझते जाओ, तो ये कितना आ जाएगा कॉस ऑफ टू पाई फाइव एफ सी टी, ऐसे अगला टाइम माइनस किया आएगा, आगे ऐसी सीरीज बढ़ती जाएगी। इतना हो गया है, इसको थोड़ा और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, वन बाई टू प्लस के यहाँ से हमने ले लिया है टू वाई पाई कॉमन ले लिया है, अब देखो अंदर क्या बचेगा, क्या बचे टू पाई पाई कॉमन ले लिया है तो अंदर ये बचा आपका, क्या मिलेगा देखो यहाँ से कॉस ऑफ टू पाई, इसको मैं ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख रहा हूँ, टू पाई एफ सी को ओमेगा सी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे ओमेगा सी लिख रहा हूँ, ठीक है टू पाई एफ सी को क्या लिख रहा हूँ मैं, ओमेगा सी लिख रहा हूँ, जिससे अगर ये फार्मूला हमको आगे कहीं जरूरत पड़ता है तो अभी देखना पूरा एक्सप्रेशन लिख दूंगा, इसको याद करना ईजी रहेगा, टू बाई कॉमन ले लिया तो क्या हो गया यहाँ पे देखो, वन बाई थ्री कॉस ऑफ टू पाई एफ सी को क्या लिखोगे ओमेगा सी, तो कितना हो जाएगा थ्री ओमेगा सी प्लस के, टू बाई पाई पाई तो कॉमन ले लिया है, वन बाई फाइव, वन बाई फाइव कॉस ऑफ फाइव ओमेगा सी टी, ऐसे अगला टर्म क्या आएगा देखो यहाँ पे माइनस के वन बाई सेवन कॉस ऑफ सेवन ओमेगा सी टी, ऐसे आगे बहुत सारे टर्म लिख सकते हो आप, तो अगर आपसे कहीं भी आगे सब्जेक्ट में कहीं जीपीटी आता है तो हम डायरेक्ट यही वाला लेसन लिखेंगे, अब हम यहाँ हमने पूरा ड्राइव करा रखा है, अब ये दोबारा से कहीं नहीं करेंगे, सीधा यही आंसर लिखेंगे, ये देखो तुरंत याद भी हो जाता है, वन बाई टू प्लस के टू अपन पाई कॉस ओमेगा सी टी, और टर्म्स आएंगे वन बाई थ्री तो यहाँ पे थ्री हो गया, वन बाई फाइव है तो यहाँ फाइव हो गया, सेवन यहाँ पे तो यहाँ सेवन हो गया, तो ये वाला आपको याद करना ही ठीक रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको ओमेगा के फॉर्म में लिख दिया, इससे याद जल्दी हो जाए, ठीक। अब यहाँ से देखो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हमको मिल गए, अब हमको पता लग जाएगा कि बैंड पास फिल्टर के आउटपुट पे क्या मिलेगा, पहले हमको क्या था फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट नहीं पता थे, अब फोरियर सीरीज से हमको क्या पता लग गया फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कौन कौन से हैं, देखो एक डीसी टर्म है, एक एफ सी वाला मिलेगा, थ्री एफ सी वाला मिलेगा, फाइव एफ सी वाला मिलेगा, तो हमको क्या पता लग गया फ्रिक्वेंसी टर्म्स पता लग गए हैं, अब अपना लिख लो वी नॉट टी, क्या हुआ था वी नॉट टी, वी नॉट टी इक्वल्स टू वी इन टी इंटू कौन सा सिग्नल जी पी टी, यही था देखो पीछे पता आउटपुट पे ये चीज जो बताई थी वी नॉट टी इक्वल्स टू वी इन टी इंटू जी पी टी, तो डायोड के आउटपुट मिल जाएगा आपको, देखो सर्किट डायग्राम में देख लो वी इन टी कितना है एम टी और सी टी का क्या था समेशन था, सिंस वी इन टी क्या था एम टी प्लस सी टी, सी टी अपना करियर सिग्नल है, क्या था सी टी ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे एम टी
प्लस के ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी इंटू जी पी टी। जी पी टी हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, जो ऊपर वाला है वही है। ठीक, देखो क्या होगा। अब यहाँ से देखो, इसका कोई भी टर्म लो, यहाँ से या तो एम टी ले लो चाहे ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी ले लो। फिलहाल इन टर्म्स के लिए देख लो, अगर जैसे एम टी को हम कॉस टू पाई थ्री एफ सी टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या करोगे, एम टी को शिफ्ट कर दोगे थ्री एफ सी से, तो हमको आउटपुट पे नहीं मिले, बैंड पास फिल्टर के आउटपुट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एफ सी पे ट्यून है। ये सिग्नल हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, थ्री एफ सी पे पहुँच जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो और आगे बढ़ जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, वो तो मिलना ही नहीं है, तो इधर छोड़ दो, यहाँ इस वाले टर्म के बाद से आपको करना ही नहीं है, यहाँ से छोड़ दो, यहाँ के बाद आपको लेना ही नहीं है इसके बाद यहाँ, क्योंकि ये इसके बाद हमको बैंड पास फिल्टर के आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा। बस स्टार्टिंग के दो टर्म से मल्टीप्लाई करके देखो कौन कौन से टर्म मिल रहे हैं। तो सिर्फ मैं स्टार्टिंग के दो टर्म ले रहा हूँ, कौन कौन सा मिल रहा है हमको, 1/2 प्लस के 2/पाई कॉस ऑफ 2π एफ सी टी। ठीक है, इतनी दो टर्म लिख के आगे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। डी नॉट टी इज इक्वल्स टू एम टी प्लस ए सी कॉस 2π एफ सी टी। ठीक है, अब जो आगे जीपी वाला था उसमें स्टार्टिंग की दो टर्म लिखे, बाकी आगे क्या लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, तो मिलेगा ही नहीं, तो स्टार्टिंग के दो ही टर्म लिख रहा हूँ मैं, 1/2 प्लस के 2/π कॉस ऑफ 2π एफ सी टी। आगे और सारे हैं, बट उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, वो हमको मिलने नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, एम टी बाई टू मिलेगा मल्टीप्लाई करोगे तो, और क्या मिल जाएगा इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2/π एम टी कॉस 2π एफ सी टी, ये मिलेगा एक टर्म, इसको मल्टीप्लाई करो प्लस के ए सी बाई टू कॉस 2π एफ सी टी, प्लस के ट्वाइस ए सी अपॉन पाई, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2π एफ सी टी। ठीक है, और आगे और भी टर्म होंगे, वो तो वैसे ही नहीं मिलने, साफ साफ दिख रहा है आपको। ठीक है, अब इसको बैंड पास फिल्टर से पास कराना है। अब देखो इन इन टर्म्स में भी कौन कौन सा नहीं मिलेगा हमको, इन टर्म्स में भी बैंड पास फिल्टर के आउटपुट पे कौन सा नहीं मिलेगा, एम टी बाई टू देखो नहीं मिलेगा, क्योंकि एम टी तो कहाँ पे रहेगा, जीरो के अराउंड रहेगा, बेसबैंड सिग्नल है, और हमको किससे पास कराना है, बैंड पास फिल्टर से पास कराना है, तो ये भी नहीं मिलेगा। ये वाला हमको देखो मॉड्यूलेशन हो रहा है एफ सी पे, तो ये वाला तो यही बैंड पास फिल्टर अपना एफ सी के अराउंड ट्यून्ड था, 2 FM फ्रिक्वेंसी थी, तो ये वाला तो बैंड पास फिल्टर के आउटपुट पे मिलेगा। ये वाला देखो कैरियर सिग्नल है, कहाँ पे ट्यून्ड है, ये एफ सी पे, एफ सी पे कंपोनेंट मिलेगा, दो इंपल्स मिलेंगे, तो एफ सी पे तो ट्यून्ड था ही बैंड पास फिल्टर, तो ये भी मिलेगा। यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा आपको, ये सिग्नल कहाँ पहुँच जाएगा, देखो आपका कॉस स्क्वायर करके है, तो 2θ वाले फार्मूले से लिखोगे, एक डी सी टर्म आएगा, तो डी सी टर्म भी बैंड पास फिल्टर से पास नहीं होगा, और दूसरे की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2θ करके हो जाएगा, तो दूसरे की फ्रिक्वेंसी 2fc हो जाएगी, तो 2fc पे भी बैंड पास फिल्टर ट्यून नहीं है, तो 2fc वाला भी नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ से भी कुछ टर्म नहीं मिलेगा, एक डी सी आएगा एक 2fc पे आएगा, तो दोनों ही बैंड पास फिल्टर के रीजन में नहीं आ रहे हैं, तो आपको दो ही सिग्नल देखो यहाँ से मिल रहे हैं। कौन कौन से मिलेंगे, एक करियर सिग्नल का मिल रहा है देखो, और एक मॉड्यूलेशन वाला मिल रहा है, AM में यही तो चाहिए होता है हमको, मिलेगा अपना काम हो गया है, हमको AM जनरेट करना था, करियर सिग्नल मिल गया है और मॉड्यूलेशन वाला टाइम मिल गया है, तो इससे हमको क्या मिल जा रहा है, AM सिग्नल जनरेट हो जाता है स्विचिंग मॉड्यूलेटर के थ्रू। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अगर इसका थोड़ा सा स्पेक्ट्रम बना लेते हैं कि जिससे ओवरलैपिंग ना हो, वो चीज़ समझ में आ जाए, क्या मिल रहा है देखो यहाँ पे, एक MT था, MT आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली प्लॉट है, सादा नहीं बनाएंगे, बस इन्हीं टाइम के लिए बना रहे हैं। एम टी कहाँ से कहाँ लाई करेगा, जीरो से लेके FM-FM तक, सही है। ये वाला प्लॉट देखो कहाँ शिफ्ट होगा, एम टी कॉस 2π एफ सी टी, एफ सी पे शिफ्ट हो जाएगा इस टाइप से, FC-FM और FC+FM, ये है अपना FC, यहाँ से ये वाला टाइम मिलेगा। ठीक है, ये
करियर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, करियर फ्रिक्वेंसी टर्म कहाँ पे मिल रहा है, एफसी पे इंपल्स मिलेगा एक, सही है, सिर्फ पॉजिटिव साइड का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे ये वाला टर्म देखो कहाँ मिलेगा, इससे इंपल्स मिलेगा आपको कहाँ पे, एक टू एफसी पे मिलेगा, टू एफसी पे, और एक डीसी टर्म मिलेगा, डीसी टर्म से भी इंपल्स आएगा वो यहाँ पे मिलेगा डीसी टर्म की वजह से, सही है। तो इस टाइप से स्पेक्ट्रम आ रहा है। इसके अलावा जो और टर्म की वजह से आएगा वो तो और ही हाइयर पे होगा, थ्री एफसी फाइव एफसी का अराउंड जाएगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो वैसे ही नहीं चाहिए हमको। अब देखो बैंड पास फिल्टर से ये वाला रीजन था, अब यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग ना हो इसके लिए तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, एफसी किससे बड़ा होना चाहिए, तो एफएम विद ये रही, एफएम विद ये रही, एफसी ग्रेटर देन 2 एफएम, जबकि स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में यही कंडीशन हमारी क्या आई थी, एफसी ग्रेटर देन 3 एफएम, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आई है, एफसी ग्रेटर देन 2 एफएम, तो लिख लो यहाँ पे टू अवॉइड, लिख लो टू अवॉइड अनडिजायर्ड फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, टू अवॉइड द अनडिजायर्ड फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एट द बैंड पास फिल्टर आउटपुट, एट द बैंड पास फिल्टर आउटपुट, एट द बैंड पास फिल्टर आउटपुट, क्या कंडीशन है, ये कंडीशन लिख लो, लिखी है ऊपर एफ सी ग्रेटर देन 2 एफएम, ठीक है, इतना हो गया। अब बैंड पास फिल्टर के आउटपुट पर क्या मिलेगा, एक ये टर्म मिलेगा, ये एक टर्म ये मिलेगा, दोनों टर्म लिख लो अपने, देयरफोर बैंड पास फिल्टर आउटपुट एक करियर सिग्नल मिल रहा है, करियर सिग्नल देख लो कितना था, एसी बाई टू था, एसी बाई टू कॉस 2 पाई एफ सी टी, दूसरा टर्म क्या था वो मॉड्यूलेशन वाला था, 2 अपॉन पाई एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब इसको स्टैंडर्ड ए एम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्या करोगे यहाँ से, देखो करियर वाला टर्म ये है तो यहाँ से क्या कॉमन ले लो, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी कॉमन ले लो, कॉस 2 पाई एफ सी बाद में लिखेंगे हम, 1 प्लस के 2 यहाँ से डिवाइड करोगे ए सी बाई टू से कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन ले लो ए सी बाई टू, तो ये आपका आ जाएगा 4 अपॉन पाई ए सी, ए सी बाई टू कॉमन ले लो बस, एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, इसको कुछ मान ले रहे हैं ए सी डैश 1 प्लस KA MT cos 2 पाई FCT, देखो आपका स्टैंडर्ड ए एम वेव जनरेट हो गई है यूजिंग दी स्विचिंग मॉड्यूलेटर, यही क्या है अपना S AM T, where AC dash is equals to AC by 2 and K equals to 4 upon pi AC. तो दोनों के दोनों मॉड्यूलेटर जो हमने यूज किए हैं, स्विचिंग मॉड्यूलेटर और स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, एक्सप्रेशन आपका सिमिलर ही आया, स्टैंडर्ड एम में भी आना था, बस दोनों में एसी डैश की वैल्यू उसमें अलग थी, उसमें एसी डैश क्या था ए वन इंटू एसी था, यहाँ पे एसी क्या है एसी बाई टू है, और के स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में ट्वाइस ए टू अपॉन ए वन था, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ रही है 4 अपॉन पाई AC, बस एसी डैश और के की वैल्यू में डिफरेंस है। पहले वाले रीजन में डायोड आपका एज ए स्क्वायर लॉ डिवाइस वर्क कर रहा था, दूसरे वाले मेथड में डायोड एज ए स्विचिंग डिवाइस वर्क कर रहा है। तो ये आपका
एएम का जनरेशन कंप्लीट हो गया है। दो मेथड पढ़ लिए, यही दो मेथड हैं जनरेट करने के।